अभी भी खाइए ना। तब कौन आ दिखाए? हम कैसा लग रहा है? चलिए दोस्तों, हम लोग आम का जूस पीते हैं। ये दुकान है, देखिए आए हैं आम का जूस। कैसा है जूस जी? दीजिए तो लीजिएगा। जूस दे रहा है अभी। सही पैसा होता तो कौन जूस है जी? पीला पीला है। कलर कम डाल रहे हैं। अच्छा, कलर कम डाल रहे हैं, मतलब कलर डाल के बता रहे हैं ना? तब लाल होता है। अच्छा, कलर डाल के जूस पिला रहे हैं ना? लेकिन ठंडा है, अच्छा है। ये गर्मी में ठंडा चीज अच्छा लगता है कहीं भी। इसलिए हम रात को पूरे हो रहे हैं। थकान चले जाती है? और ये गोलू जी है, देखिए हम दोनों आदमी आके पैसा नहीं देंगे। दुकान मालिक है। काहे नहीं देंगे पैसा? ये दुकान मालिक है। ए मेरा दादा, हम बिलमुंडा है। देखिए आप कहाँ से हैं? बिलमुंडा है। हाँ, यूपी से। यूपी से आए हैं? यूपी में इतना बड़ा यूपी शहर है, मतलब राज्य इतना बड़ा यूपी है, और वहाँ से देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ हमारे बिहार में आकर के रोजगार कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपका हमारे बिहार के लोग का रोजगार आप लोग छीन रहे हैं? नहीं नहीं, आप लोग का भी बिहार वाले जाते हैं? हाँ जाते हैं, इधर का भी लोग उधर है। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आपके एरिया में रहेंगे हम कमा लेंगे, अपने एरिया में रहेंगे नहीं कमा पाएंगे। नहीं कमा पाएंगे अपने घर परिवार दोस्त हित भाई सब होता है ना, सब उसमें दोस्ती यारी में। आप साल भर में कितने बनाते हैं? एक पहला वही साल भर में एक बनाते हैं। कितने कितना दिन रहते हैं आते हैं? तो चार महीना बस। 4 महीने के बाद फिर चल जाता है घर पे, केवल यहीं बेच जूस बेचना आता है और दूसरा कुछ नहीं? नहीं, हमारे घोगा चौक पे भी दो तीन आदमी है, मतलब दो आदमी बेचता है कथी गुपचुप, बेचता है गोलगप्पा, एक आदमी यही जूस। 4 महीने में 4 लाख तक कमा लेते हैं। 4 लाख कितना कमाते हैं बताइए? 1 लाख नहीं कमाए, इससे स्थिति बहुत खराब है इस साल। मतलब अभी तक 1 लाख नहीं कमाए हैं? इनका दुकान लगता है 4 लाख। अरे 4 गो लगता है, ठीक है महाराज, 4 गो नहीं लगता है, 2 गो लगता है। इस साल 3 गो बड़ा है। 3 गो बड़ा है। कहाँ का दुकान आपका? 3 गो, एक गो है नागरी चौक पर, एक गो सब्जी मंडी, एक तीन जगह नहीं तो अगले साल 2 गो। भाई कैसे गिलास दे रहा है? 15। अरे महंगाई बढ़ गया है, हर एक एक सामान बढ़ गया है। क्या अपने पास से भरेंगे? पास से नहीं भरेंगे, महंगाई इतना है। आम का है, चीनी का है, बर्फ़ का है, दूध का है, सभी तो महंगाई बड़ा, जगह का महंगाई है। वे तो अभी पूछे हैं हम लोग नारियल पानी, नारियल मतलब 70, एक नारियल का 70 रुपया बताए। अब बताइए, एक नारियल का 70 रुपया? अभी जाओगे पीने उधर ना? हाँ, उनके पास केला का भी है, जूस मिलता है, मैंगो, एप्पल। यहाँ पैसे देने वाले नहीं है। हाँ, सब मिलता है, देखिए सब दिखा दीजिए, सब मिलता है। फिर भी आ करके यार बेच रहे हैं, काम चला रहे हैं, कैसा होना यार? 10 रुपये कमाना है महाराज। अभी बताइए एप्पल का बनाएंगे? अच्छा, 4 महीने के बाद कैसे करते हैं? 4 महीने तो ही चलता है, उसके बाद अपने घर पे चले जाते हैं। मतलब वहाँ क्या करते हैं? वहाँ केला बेचते हैं, शाम आ जाता है केला, पका हुआ केला। हाँ, वो एसी वाला, लंबा वाला। हाँ, एसी वाला। और फिर उसके बाद जब एप्पल चालू, सेब चालू हो जाएगा, सेब बेचते हैं। केला के साथ में दोनों रहेगा, तो हम लोग का ठेला इतना बड़ा थोड़ी है, बड़ा रहता है, इससे भी बड़ा रहता है केला बेचने वाला। आज खेलवा को कहाँ रखते हैं जब जाते हैं यहाँ पे? जब 4 महीने बाद जाते हैं भाड़े पे। अच्छा, ये भाड़े पे यहाँ पे मिल जाता है? अच्छा, प्रेम भाई फ्रिज ये सब रखते हैं रूम में जिसमें रहते हैं। रूम भी लिए हुए हैं? रूम लिए हैं, भाड़ा पे मिल जाता है। 4 महीने देते हैं, साल भर का महीना। अच्छा, पूरा साल का महीना देते हैं? 4 महीने मतलब बंद करके रखते हैं अपना सामान उसमें? हाँ, तो जब अपने से बंद करके रखते हैं तब तो देना पड़ेगा भाई। तो हाँ, नहीं तो अगले बार आइएगा तो फिर वो नहीं मिलेगा, कोई दूसरा ले जाएगा। सही बात, चलिए अच्छा है। और क्या सेवा करें? और क्या सेवा कीजिएगा? एक गिलास और पिला दीजिए क्या? एक गिलास और पिलाइए। लग रहा है कि आम का है इसलिए, लेकिन नहीं वहाँ पर नहीं दिखे ना, वहाँ कहीं आम वहाँ पर लीजिए। आप लीजिएगा, ये कटा हुआ दिखाइए ना। अच्छा, आता हुआ आम है ना, वहाँ भी लीजिएगा। वो कहाँ से आता है उतना बड़ा बड़ा आम? मुंबई से आता है। ये आता है मद्रास से, केरला मद्रास। केरला मद्रास क्या होता है? क्या यहाँ पर नहीं मिलता, इसको बोलते हैं यहाँ पे केरला। क्या बोलते हैं इसको?
करेलिया सब स्पेशल जूस के लिए आता है। और तुम्हारा जूस आम का जूस बनाएंगे ना पतला हो जाएगा काला पड़ जाएगा। अच्छा इसका काला नहीं होता है, नहीं होता टाइप का है। अच्छा वो मीठ लगेगा कि नहीं उठाएंगे तो खट्टा मीठा लगेगा। अच्छा रुक के पी लेते हैं थोड़ा चेक किया जाए। चलिए एक एक गिलास और पी लेते हैं। नहीं खा लीजिए अभी, अभी भी खाइए ना। अब कौन आते कैसा लग रहा है? खट्टा मीठा लग रहा है ना? खट्टा मीठा लग रहा है। तो उसमें शक्कर डालते हैं, चीनी डाल के तब इसको मीठा बनाते हैं। चीनी दूध बर्फ आम कोई लिए। अब अच्छा लग रहा है ये वाला जब बना दिए इसको मिक्सिंग करके तब अच्छा लग रहा है। वो सब अगर इसी तरह खिला देंगे आप लोग को कैसा लगेगा? अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा तो ग्राहक हमारे पास आएंगे? नहीं आएंगे। वही बात, हम भी सोचते हैं हमारे पास कस्टमर बढ़े। अगर खराब खिला देंगे आपको पड़ेगा आज क्या साल से पूछो ना उनसे। नहीं जब खराब पिलाएगा तो कस्टमर नहीं बढ़ेगा। देखिए हम भी कई साल से यहाँ पर सत सत कबीर चौक ना आइए। देखिए सत कबीर चौक पर ये अंकल जी जो है यूपी से आए हैं और यहाँ पे आके जूस बेच रहे हैं। बहुत अच्छा जूस पिलाते हैं। आप लोग कभी इस रास्ते से गुजरिएगा तो एक बार ज़रूर इनके दुकान पर जो है, देखिए इनका दुकान है, ये ठेला लगा के जूस बेचते हैं, तो एक बार ज़रूर आप लोग विजिट कीजिए। बहुत अच्छा जूस पिला रहे हैं। हम अभी पिए हैं, एक पिए हैं लेकिन अच्छा लगा था, एक और पी लिए है। ठीक है तो आप लोग भी इस रास्ते से गुजरिए तो कभी इनके दुकान पे आइए। ठीक है, गुड बाय।